तो कैसी ऐप में हमने लोन के लिए अप्लाई किया है और रिक्वेस्ट डाला था 26 फरवरी 2023 को, अभी तक लोन प्रोसेस में है, तो हमारा पैसा कब तक हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि कैसी का जो लोन है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 5000 रुपये का लिमिट मिला था, जिसमें से मैंने दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ से 2000 रुपया निकाला था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों मेरे मुझे जो व्यू ऐप, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो MI हमारा है यहाँ पे 718 रुपया है। टोटल पेमेंट हमें रिपेमेंट करना होगा 2154 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल कैसी 2004 रुपया मुझे चुकाने होंगे। इंटरेस्ट रेट जो है 150 रुपया है और प्रोसेस फीस 50 रुपया है। GST 9 रुपया है। हमारे जो खाते में आए थे 1941 रुपया आए थे और 26 तारीख को हमने रिक्वेस्ट डाला था और अप्रूवल डेट जो है दोस्तों यहाँ पे 26 फरवरी 2023 को है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हमारे जो बैंक के खाते में जो पैसा आए हैं 28 फरवरी को आए हैं, लेकिन 28 फरवरी को नहीं आकर मुझे ये 1 मार्च को आया था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप ड्यू डेट जो है 4 अप्रैल 2023 को मुझे MI भरना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा लोन कैसे आ जाता है हमारे बैंक अकाउंट में। आप लोग का जो कमेंट आता है यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों का कमेंट आता है यही कि भाई मैं पहले भी ले चुका हूँ फिर भी प्रोसेस दिखा रहा है, क्या करूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन आपको इंतजार वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 100% आ जाएगा। सर मेरा लोन प्रोसेस में है, 27 तारीख से कब तक आएंगे पैसा अकाउंट में? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पैसा आपको कम से कम दोस्तों आपको तीन से चार दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने दिन में आएंगे सर पैसा? तो सर मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको यहाँ पर जो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ 3 से 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों का जो कमेंट था उस कमेंट के आधार पर मैंने इस वीडियो को लाइव प्रूफ दिखाया ताकि आप लोगों का विश्वास हो जाए। अगर दोस्तों इसमें भी अगर आपका काम नहीं बनता है और पैसा आपका 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका है, प्रोसेस आपका पैसा नहीं आता है, तो आपको क्या अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कस्टमर सपोर्ट आपको कैसी ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप कस्टमर केयर से बातें कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक आप तो मेल कर सकते हो कैसी ऐप में, और दूसरी ऑप्शन आता है दोस्तों कि यहाँ पे आप चैट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चैट पर क्लिक करोगे तो चैट यहाँ से दोस्तों आपको खुल जाएंगे और इसके बाद दोस्तों जो भी है आप यहाँ आपका प्रोग्राम है आपको यहाँ पर सभी दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका लोन स्टेटस, रिपायरमेंट, एप्लीकेशन एक्सीडेंस, कैसी बेनिफिट, कैसी प्रोडक्ट, हाउ टू अप्लाई, इंक्रीज इन द क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर M कार्ड, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। एक पर अगर आप क्लिक करेंगे इसे तो यहाँ पे मैंने चेक लोन स्टेटस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब फिर से मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ एक और ऑप्शन के मुझे प्रोसेस वाला ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों रिपायरमेंट पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिपायरमेंट वाले पर मैं क्लिक किया तो यहाँ भी मुझे प्रोसेस वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर दोस्तों चलिए नीचे की ओर चलते हैं, दूसरा ऑप्शन में हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर भी मुझे प्रोसेस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सीडेंट से अगर हम यहाँ पर बातें करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉगिंग इशू का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसमें लॉगिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको जो भी होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। प्रोफाइल रिलेटेड आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पे ईमार्टे का ऑप्शन, यहाँ बैंक रिलेटेड जो भी है आपका प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं पीछे की ओर जाता हूँ तो यहाँ पे और ऑप्शन क्या आता है देखते हैं, प्रोसेस का ऑप्शन मुझे मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों कैसी बेनिफिट पर हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप जो भी है आप देख सकते हो, लेकिन प्रोसेस वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों फटाफट से कर रहा हूँ ताकि हाउ टू अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में समझाया जाता है हमको, जैसे प्रोसेस फीस कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात चीज़ होती है कि जब कैसी ऐप में आप लोन अप्लाई करते हैं ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर 100% देख लीजिएगा, तब कैसी ऐप में लोन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस पर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं एलिजिबिलिटी पर अगर बात की जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो भी है आपको यहाँ पे सब दिखाया जाएगा। चलिए मैं इसे बाद में आपको बता दूंगा आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं प्रोसेस वाला ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो मुझे नहीं मिल रहा है। पहले हो सकता था मिलता था, लेकिन अभी दोस्तों न्यू अपडेट में ना नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इंक्रीज क्रेडिट लिमिट पे, तो हम यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते
सकते हो कि यहाँ पे भी मुझे कैसी प्रोसेस वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम रिवॉर्ड कार्ड, इसमें भी मुझे प्रोसेस वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कैसी डायमंड है, कैसी प्लैटिनम है, कैसी गोल्ड है, यहाँ पे कोई भी मुझे यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन ही देखने को मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 से 4 दिन आपको वेट करना है। 4 दिन जैसे वेट कर लेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 100% आ जाएंगे, आपका सभी चीज़ें सही रहा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।